श्योर उन्होंने हाँ कहा? बाबू साहब कितने बार हंस गए हैं, एक आखिर बात सुन लो। हाँ हमका यकीन है मालिनी दीदी किसी जी के साथ नहीं रहते है, वो अपन घर में भी नहीं रहते है, और हमका यकीन है कि वो यहाँ ही आई है, काहे कि वो हमका भूली है। हमें अभी भी नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगी। मालिनी तुम इस घर के मामले में दखल मत दो, तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मॉम सही कह रही थी, आदित्य और इमली की बात और है, लेकिन यहाँ मैं पूरी फैमिली के साथ कैसे रह पाऊंगी। हद है, कभी तो टाइम से तैयार हो जाए। अरे ये पूजा करना जरूरी है ना निशांत और पल्लवी के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मालिनी जी? वो किसी से कुछ काम था तुम्हें यहाँ पर? जी जी नहीं, वो मैं गलती से आ गई थी, मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जाए मान लेती इमली। आप यहां तक आकर वापस क्यों जा रही थी मालिनी? आप हमारी गेस्ट है, आप यहीं पर रहेंगी। हाँ और आप कहीं और क्यों रहेंगी? अगर आप मेरी भाभी बनकर अंदर नहीं आ सकती हैं, तो कम से कम मेरी दोस्त बनकर तो अंदर आ सकती हैं मालिनी। मुझे अच्छे से याद है, इतने वक्त इतने सालों के बाद पल्लवी की बात आपने मुझसे छेड़ी थी। अब देखिए, अब हमारा रिश्ता ऑफिशियल हो रहा है, हमारी शादी हो रही है, अच्छा दिन है, तो प्लीज आप चलिए ना अंदर। चलिए ना मालिनी दीदी। मालिनी प्लीज, शादी का घर है और पहले इतने सारे लोग हैं, बाहर वालों के लिए शायद घर में जगह नहीं होगी। कि आप कैसी बातें कर रही है? ताई जी से ही कह रही है। ताई जी, I'm so sorry, मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही है कि घर में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हो गए। डोंट वरी, मैं आई जस्ट गो। आप नहीं जाइए, हम बोले नहीं जाइए। मालिनी दीदी हमारी मेहमान है, आप लोगों की नहीं, हमारी दीदी है। आपका आप लोगों के घर में हमारी दीदी के खातिर भी जगह नहीं? बात नहीं छोटी काकी, अगर मालिनी दीदी के खातिर घर में जगह नहीं है तो हम भी एक साथ चले जाएं। इमली, ये क्या तरीका है बात करने का? देखो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सब अनकंफर्टेबल हो। क्या कोई अनकंफर्टेबल क्यों होगा? आप प्लीज अंदर चलिए, आई मीन मालिनी आप चलिए ना अंदर प्लीज प्लीज। थैंक यू निशान, बट डोंट वरी, मैं अपने अरेंजमेंट्स खुद देख लूंगी। क्या देख लेंगी? हम कह रहे हैं ना आप यहीं पर रहेंगे। आदित्य, इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे कुछ फाइन माइन नहीं है, हम कहें अगर आप यहाँ से जाइए तो हम आपके साथ चलिए बस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मालिनी, हम कह रहे हैं ना आप यहीं पर रहेंगे। ताई जी की बातों को सीरियसली मत लीजिए, हम आपका सामान अंदर लेकर। आदित्य आप प्लीज, भले ही आज तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, मगर एक पट पर तो था ना तुम्हारा इस घर से रिश्ता। और ये घर ना कभी अपनों को भूलता है और ना कभी रिश्तों को। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, गलती से भी नहीं। हाँ तुम्हारी मां से जरूर कहा था मैंने कि उनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, मगर ऐसा तुम्हारे लिए कभी नहीं होगा।
आदि, मालिनी का सामान अंदर लेकर जा। जी माँ। इमली, जा मालिनी को अंदर ले जा। चलिए। यहीं पर खड़े रह जाएंगे तो बाकी का काम हो ही नहीं पाएगा ना। चले मंदिर। चलिए चले चलिए। बाबू साहब भी हम ले लीजिए। दीदू चलिए चलिए। कितनी अजीब बात है ना दी, मालिनी अब तेरी बीवी नहीं रही, मेरी भाभी नहीं रही, और हमारे घर के जो बड़े हैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं निभा पा रहे। लेकिन फिर भी देख, मालिनी और इमली के बीच में जो रिश्ता है वो ऐसा लगता है ना कि जैसे ये लोग लाइफ टाइम सगी बहने रहने वाले हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर इस घर में हम किसी को ये सच बता सकते हैं तो वो तू है, मगर आज नहीं। बोलना। कुछ नहीं, आज खुशी का दिन है, आज तेरा दिन है, बस तेरे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है यार। मेरे लिए बुरा लग रहा है क्यों? ओ जी, अब पल्लू जी के हाथ का बना चीज केक आपको रोज खाना पड़ेगा जी। एक चीज केक के चक्कर में बंदगी पूरी पूरी फ्रीडम चली गई जी। मेरा भाई, आदित्य, मैं अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के चली आई सिर्फ आपके भरोसे। और मुझे जरा भी घबराहट या बेचैनी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे, हमारी खुशियों में कभी खटास नहीं आएगी, और आप मुझे कभी खुद से अलग नहीं करेंगे। कभी नहीं। I love you. I love you too. इमली, केसी बता रहे थे कि सत्यकाम जी बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। कभी यही बोले मालिनी दीदी, हम ना बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बस इतना जल्दी से आ जाए, हमसे ना और इंतजार नहीं होते। डोंट वरी, तुम्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाओ मेरा क्लिप। मालिनी दीदी, आप एक बात हमका सच सच बताइए, इतने वक्त बाद ये घर में मेहमान के कमरे में रहना आपको अजीब लगे है ना? सच कहो, मुझे ये बात ज्यादा अजीब लगती है कि तुम अब भी घर के किसी कोने में रहती हो। वहां नहीं जहां तुम्हें रहना चाहिए। मालिनी दीदी, ऐसा कोनो बात नहीं है, काहे कि घर का हर कोना तिकोन गोला हमका सब आपन लागत है, सब अच्छा लागत है, ऐसे हमका कब तकलीफ नहीं होता। चलिए आप जाइए और आराम से बैठिए, हम आपके खाते में एक बहुत अच्छी सी चौकोर चाय बना के लावत है, और फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करिए और बहुत सारी तैयारियां भी करें क्या, ठीक है? हम अभी आवत है। आई नो, तुम ऐसे ही हंसते हंसते अपनी सारी प्रॉब्लम सबसे छुपा लेती हो इमली, मुझे भी तो इतने दिन पता नहीं चला था कि तुम्हें मुझे आदित्य के रूम में देखकर कैसा लगता होगा, और आज जब पता है तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रही, न यहाँ तुम्हें तुम्हारी जगह दिला पा रही हूँ और ना अपने पापा के घर में। हाँ, बत्ती जला दीस? हाँ, तेरी बुझा दूँ। नाश्ता बना दीस? हाँ, तेरा अलग से रखा हुआ है, समोसे जो है मीठे हैं, गुलाब जामुन मिर्ची वाले। फुलवा लगा दीस? हाँ, कर दिया सब। और इमली से पीठ मकुनी मरवाली? तुम बोल रहे, तुम हमसे दूर काम? ये क्या हो रहा है, बस नहीं करो। अरे काम ही नहीं करने दे रही हमको। चुप करो, और पल्लवी की मम्मी के सामने ना कोई नौटंकी मत करना, समझे? तुम समझे? जी समझ गया। समझे? आइए 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 भाभी जी। नमस्ते। अरे यू लुक सो प्रिटी। आजा आजा, कम
अरे मालिनी आइए ना। नमस्ते आंटी। आंटी जी ये मालिनी है। आपसे पहले नहीं मिली मैं, आप इनके रिश्ते में हैं? जी हमरे रिश्ते में है, हमारी बड़ी बहन है और हमारी सबसे अच्छी दोस्त है।